नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो हमने सोचा क्यों ना आज ट्राई कलर का कुछ ना कुछ कुछ बनाया जाए। तो बहुत ही बढ़िया सा हमने स्नैक्स बनाया। ये डोसा बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है और कितना सुंदर लग रहा है। ये बच्चों को सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। कोई भी एक, इस तरह से एक ले लेंगे बोल और ले लेंगे एक कप। कोई भी एक कप ले लें, उसको सेट कर लें। कोई भी रैंडमली जो आप कप यूज़ करना चाहते हो वो आप एक कप उठा लो और इसको उसी से जो है हमने सारी मेजरमेंट कर ली है। तो मैंने ये वाला कप के अंदर मैं डाल दूँगी सूजी। तो हमने जो है सूजी सुना से एक कप भरकर ले लेंगे। तो ये एक कप भरकर हम जो है सूजी का इसमें डाल देंगे और हम एक कप और डालेंगे, यानी कि दो कप। तो दो कप मैंने ये सूजी ले ली। दो कप सूजी के साथ हम लेंगे गेहूं का आटा। ये वही आटा है जो हम घर में यूज करते हैं चपाती बनाने के लिए। तो ये मैंने जो है 4 चम्मच गेहूं के आटे के ले लिया। इससे जो है बाइंडिंग बहुत बढ़िया आएगी और इससे जो है टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आएगा। तो 4 चम्मच हमने ले लिया आटे के और इसी छोटे स्पून की मेजरमेंट से हम लेंगे इसमें डालेंगे नमक। नमक हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच। आप स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। एक विस्कर ले लें, विस्कर की हेल्प से जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए जब हम इसका बैटर बनाएं। तो हम इसी बोल की मेजरमेंट से हम इसमें ले लेंगे दही। घर में जमा हुआ दही ले या कोई भी आपके पास दही हो वो आप ले सकते हो, लेकिन दही जो है बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। तो है हम 1 कप जो है इसमें दही का ले लेंगे। 1 कप हमने ले लिया दही का। तो ये दही भी हम इसमें डाल देंगे और इसी कप में हम डाल लेंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक इसका घोल बना लेंगे। जैसे डोसे का घोल होता है उस तरह से हमने घोल बना लेना है, लेकिन इसमें कोई भी ध्यान रहे लम्स नहीं रहने चाहिए। पहले जो है कम से कम पानी यूज करें इसको। इस तरह से घोले, पानी पहले कम डालें। अगर हम पहले से ही पानी ज़्यादा डाल देंगे तो लम्स जो है निकलेंगे नहीं। एक बार लम्स जो है पड़ जाए तो लम्स निकलते नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको लम्प फ्री जो है इसका बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। तो ये देखिए लम्प फ्री बैटर बनकर तैयार हो गया। ये देखिए थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देते क्योंकि काफ़ी गाढ़ा है। इस तरह अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो मैं आपकी इसकी जो कंसिस्टेंसी है आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से। अभी फिलहाल हम इसको ढककर के आधे घंटे के लिए रख देते हैं। इससे क्या होगा कि सूजी हमारी जो भी है फूल जाएगी और हमारा बैटर भी सेट हो जाएगा। तो आधे घंटे के बाद इसको आधा घंटा हो चुका है, चेक कर लेंगे। सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है लेकिन थोड़ा सा बैटर हमारा गाढ़ा है। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे इनो। एक सैशे हम इसमें इनो का डालेंगे। एक सैशे हमने इस तरह से इनो का डालना है, आराम से बाजार में मिल जाता है। तो ये इसमें डाल देंगे एक सैशे। ये 1 स्पून के करीब होता है तो ये 1 स्पून डाल लेंगे। इसके ऊपर डालेंगे हल्का सा पानी इस तरह से। अब देख रहे हैं बबल्स उठ रहे हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। जेंटली इसको मिक्स करेंगे और आप देखेंगे कि हमारा बैटर जो है अच्छे से फूलने लगा है। ये देखो बैटर रेडी हो गया है। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, हमें इसी तरह से बैटर चाहिए। तो अब ये देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, इस तरह से हमें जो है इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से। अब बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे कोई भी 2 बोल या कोई भी कटोरी आप ले सकते हो इस तरह से और इसके अंदर जो है हम अपने बैटर को फिट कर देंगे इस तरह से। तो एक में तो हम डाल देंगे फूड कलर ग्रीन कलर का। दो 3 बूंदे डाल देंगे इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा प्यारा सा ग्रीन कलर आप देखेंगे कि इसमें आ गया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जितना डार्क कलर आप करना चाहते हो आप डाल सकते हो।
मैं एक दो बूंदे जो इसमें और डालूंगी। आप चाहें तो पाउडर वाला जो फूड कलर होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। फूड कलर आराम से बाजार में मिल जाता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो परचेज कर सकते हो। तो ये तो हमने कर दिया ग्रीन कलर रेडी। इसके साथ ही मैं ले लूँगी इसमें ऑरेंज फूड कलर, और इसकी जो है ये पाउडर फॉर्म में, इसकी मैं जो है इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ इसको, बिल्कुल हल्का सा, बस एक दो चुटकी। और इसको भी हम दूसरे स्पून की हेल्प से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा मैं और डालूंगी और मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसको पानी में घोलकर भी डाल सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया सा कलर जो है रेडी हो चुका है। तो ये तीनों जो है हमारे ऑरेंज, ग्रीन एंड व्हाइट तीनों जो है ये रेडी हो चुके हैं, ये आप देख सकते हो। अब हम ले लेंगे तवा और गैस को ओपन कर लेंगे, लेकिन फ्लेम जो है बहुत ही हल्का रखेंगे, बिल्कुल हल्के सिंपल। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पानी इस तरह से, ताकि बिल्कुल भी जो है हमारा तवा जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इस तरह से छीटा मार लेंगे और इसको जो है इस तरह से पोंछ लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो बिल्कुल बढ़िया नहीं बनेगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का रखेंगे और इसके साथ ही ये जो हमारा ऑरेंज कलर का बैटर है ये इसमें डाल देंगे, इस तरह से स्प्रेड कर देंगे जैसे डोसे को स्प्रेड करते हैं। इस तरह से वाइट कलर भी हम स्पून में ले लेंगे और इसका साइड पे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, इजीली स्प्रेड हो जाता है। इसको साइड पे स्प्रेड करते हैं, ध्यान रहे गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल हल्का होना चाहिए। अच्छे से इसको हमने स्प्रेड कर दिया। इसके बाद इसके आसपास हम कर देंगे ग्रीन कलर को, ऐसे हल्का हल्का डालते रहे और स्प्रेड करते रहे सारे कॉर्नर्स में। स्पून की हेल्प से पहले थोड़ा थोड़ा डाल दें और फिर इसको जो है इस तरह से स्प्रेड करें, स्प्रेड हो जाएगा ये बड़े आसानी से। जहाँ जहाँ रह जाए वहाँ पे इस तरह से स्प्रेड कर दें। इसको बिल्कुल ही हल्के फ्लेम पे हमने बनाना, आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। हल्का सा इसमें जो है हम आधा चम्मच के करीब या उससे भी थोड़ा कम इस तरह से ऑयल स्प्रेड कर देंगे। हमने गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम तेज फ्लेम में बनाएंगे तो इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, जो हमने नहीं करना है। इसलिए गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम रखें, बिल्कुल हल्का, बस एक मिनट के बाद ही आप देखोगे कि ये आप इस तरह से निकालेंगे तो ये निकलने लगेगा। ये देखिए बड़े आसानी से ये निकलने लगता है, आप देख रहे हैं किस तरह से ये निकलने लगा। तो हमने इसको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, अगर आपने ज़्यादा क्रिस्पी करेंगे तो आपको जैसे मैंने कहा कि कलर जो है इसका चेंज हो जाएगा, तो ज़्यादा हम इसको क्रिस्पी नहीं करेंगे। इसको इस तरह से रोटेट करते रहेंगे तवे को, ताकि जहाँ से इसको कम या ज़्यादा हीट मिल रही है वो जो है चेंज हो जाए। पीछे हीट ठीक थी, यहाँ पर थोड़ी सी कम है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा रोटेट करके इधर से भी हल्का सा बिल्कुल हल्के फ्लेम में पका। तवे का साइज़ बड़ा होने के कारण इस तरह से प्रॉब्लम कभी आपको आ सकती है। तो ये हमारा डोसा रेडी हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, लग रहा है ना बढ़िया, कितना सुंदर हमारा डोसा बनकर रेडी हुआ है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और कितना आसान है बनाने का तरीका इसको वो आपको मैंने बताया है। इसको सर्व तो लीजिए, डोसा हमारा बनकर तैयार है इंडिपेंडेंस डे का। आप इसको बनाएं, खाएं, बच्चों को खिलाएं, बहुत ही खुश हो जाएंगे बच्चे। तो इस आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।